दोस्तों आज आपके सामने है न्यूली लॉन्च होंडा हाइनेस सीबी 350 का लेगेसी वाला एडिशन। ये 20 ओबीडी 2 का नया वाला मॉडल जिसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या फीचर्स अब आपको मिलते हैं, माइलेज कितना देते हैं और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, इसका पूरा डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बाइक को यहाँ से देखें तो बॉडी आपको वही मिलती है, लेकिन जो इसका ग्राफिक्स है वो चेंज हो चुकी है। जैसा कि इसके टंकी के ऊपर सीवी 350 लिखा है गोल्डन कलर में और नीचे में लेगेसी एडिशन लिखा हुआ है। ये टॉप वाला मॉडल है तो इसमें E20 का अपडेट आ चुका है और जो टैंक है वो आपको 15 लीटर का मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे होंडा की 3D ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। बाकी इसकी जो सीट है वो आपको ब्राउन कलर में स्प्लिट वाली सीट मिल जाती है। सीट के अंदर की जो फोम है वो आपको काफी मुलायम मिलती है। पीछे में आपको मेटल का ग्रैब हैंडल मिल जाता है और जो टेल लाइट आपको मिलती है वो पूरी की पूरी LED में दिए गए हैं और साइड इंडिकेटर भी आपको LED में मिल जाते हैं हेडलाइट के साथ। तो पीछे का जो लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा है। पीछे में आपको 130 mm का मोटर टायर मिलता है जो बुलेट से 30 mm ज्यादा है। 240 mm की डिस्क आपको मिलती है पीछे में और ABS भी आपको मिल जाएगा। टायर साइज की अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे में आपको MRF का 130/70/18 का टायर मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसके पीछे में आपको हाइड्रोलिक टाइप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसके फ्रंट में फुली LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। साइड इंडिकेटर भी LED में दिए गए हैं हेजर्ड के साथ। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। मडगार्ड आपको पूरी मेटल का मिलता है जिसमें थोड़ा सा क्रोम का टच दिया गया है। बाकी फ्रंट में आपको 310 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है ABS के साथ। निशान का कैलिपर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। फ्रंट टायर की बात करते हैं, इसके फ्रंट में आपको 190/19 का फ्रंट टायर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। तो इसमें आपको 348 cc का एयर कूल 4-स्ट्रोक BS6 FI वाला इंजन दिया गया है जो 21.07 PS की मैक्स पावर देता है और 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो इसमें जो पावर और टॉर्क मिलता है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है रॉयल इनफील्ड बुलेट के मुकाबले। बाइक के जो हैंडल बार है वो आपको थोड़ा अपराइट मिलेगा तो ज्यादा आपको इसको चलाने के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। होंडा की ब्रांडिंग के साथ आपको नॉर्मल चाबी यहाँ पर मिल जाती है और मीटर कंसोल के साइड पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। इसमें सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जिसमें स्पीडोमीटर एनालॉग में दिया गया है। साइड में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे इको इंडिकेटर, ABS, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन और यहाँ पे आपको हेडलाइट, साइड स्टैंड और ऊपर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। नीचे में गियर पोजिशन इंडिकेटर आपको मिल जाता है, घड़ी है, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, रियल टाइम माइलेज देखने को मिल जाती है। तो माइलेज की बात करें तो 40 से 45 हाईवे पर और लोकल में 30 से 35 ये बाइक आपको माइलेज निकल कर देती है जिसमें आपको 130 से 135 की टॉप स्पीड मिल जाती है। इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो है 2,16,356 रुपए। इसकी ऑनरोड प्राइस जानने के लिए कमेंट में अपने एरिया का नाम बताएं, हम आपको आपके एरिया का ऑनरोड प्राइस डिटेल्स रिप्लाई में सेंड कर देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो होंडा हाइनेस सीवी 350 लेगेसी वाला मॉडल एक अच्छी बाइक है। आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपना ओपिनियन शेयर करें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो में प्यारा सा लाइक जरूर करें और ऐसी बाइक से रिलेटेड नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बाइक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।